जय माता की। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े व्रत और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी कहा जाता है, लेकिन नवरात्रि में आने वाली अष्टमी का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं के पैर धोकर उनकी आरती पूजा करें। उन्हें हलवा पूरी चने का भोजन करवाया जाता है और उपहार देने चाहिए। मान्यता है कि 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। इस तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करने पर माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस तिथि पर हवन भी किया जाता है। मान्यता है हवन करने से वातावरण और घर के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। महागौरी की कृपा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन पर माता रानी को लाल रंग की चुनरी में कुछ सिक्के और बताशी रख कर उड़ाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन महागौरी माँ को श्रीफल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए अष्टमी तिथि पर पूजा में नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद उस नारियल और मिठाई को प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी 2023 की तिथि और मुहूर्त। दुर्गाष्टमी व्रत 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 21 अक्टूबर को रात के 9:53 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर को शाम के 7:58 पर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री राम।